हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे फुल पटियाला 4 मीटर का कपड़ा से। तो सबसे पहले हम कमर का बेल्ट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़ा को चौड़ाई में 4 फोल्ड किया है। कमर का बेल्ट हमें तैयार 7 इंच चाहिए, तो इसके लिए हम 9 इंच लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि सिलाई में 2 इंच फोल्ड हो जाता है। सलवार का बेल्ट हमने कटिंग कर लिया है, बाकी बचे कपड़े से हम सलवार का घेर निकालेंगे। बाकी बचा हुआ कपड़ा को हम लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसे चौड़ाई में 2 फोल्ड करेंगे, यानी इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इस तरह से बिछा लेंगे। सलवार कटिंग करने से पहले कपड़ा को अच्छी तरह से बिछाना ज़रूरी है, तो इसे मैंने इस तरह से रख के अच्छी तरह से बिछा लिया है। इस तरफ कपड़ा का खुली भाग है, तो इसे हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद सलवार का बेल्ट तैयार जितना भी आएगा उसे हम माइनस कर लेंगे। बेल्ट हमें रखना है 7 इंच, तो मैंने 7 इंच का माइनस किया। इसके बाद सलवार का लंबाई जितना भी है, इस सलवार का लंबाई 38 इंच रेडी है, तो इसे हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। मैंने 39 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से हम सलवार का मोरी लेंगे। सलवार का मोरी हम लेंगे 7 इंच रेडी, तो मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा कर लूँगी। मोरी मैंने 2 इंच बढ़ा कर क्यों रखा है इसे मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। मोहरी का निशान लगाने के बाद इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस कपड़ा को जो हमने कटिंग किया है मैंने इस तरफ बिछा के रखा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊँ। बाकी बचा हुआ कपड़ा को हम 2 फोल्ड करेंगे और इसके बराबर में बिछा लेंगे। देखिए, मैंने इसे लंबाई में 2 फोल्ड करके इस तरह से बराबर में मिलाकर बिछा लिया है। इसके बाद हम इस तरफ आसन लेंगे। आसन मैंने 9 इंच लिया है। जहाँ पर हमने मोहरी का निशान लगाया था वहाँ से हम आसन तक इस तरह से मिला के हम इंची टेप को रखेंगे और इसके ऊपर हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। मैंने इसे कटिंग कर लिया है इस तरह से। सलवार का कली का लंबाई यहाँ से 27 इंच आया है और इसका आसन हमने 9 इंच रखा है, तो दूसरे कली को भी हम यहाँ से 27 इंच रखेंगे और इस तरफ दूसरे कली का आसन रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्क किया। इसके बाद इस तरह से मिलाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को हम निशान लगा के निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरफ हमने 2 कली निकाला है और इस तरफ भी हमने 2 कली निकाला है। मैंने मोहरी पर इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि यहाँ पर हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस निशान पर हम 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे। दोनों निशान को हम इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का दबाकर हम सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से हम चारों कट पर सिलाई लगाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। इसके बाद चारों कली को हम मिला के रखेंगे इस तरह से। चारों कली को मिलाने के बाद हम इस तरह से थोड़ा सा घुमाव देकर हम इसे निशान बना लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने 4 मीटर का कपड़ा पटियाला कटिंग करने में यूज कर लिया है। इस तरह से हमने सलवार का घेर कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम सलवार का बेल्ट पर जोड़ लगाएंगे। तो जब भी हम सलवार का बेल्ट कटिंग करते हैं तो ये हिप के हिसाब से रखते हैं। तो इसका हिप 36 इंच है, तो इस पर हम 8 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंच। तो ये बेल्ट मैंने 2 फोल्ड में रखा है, तो ये 44 का आधा होना चाहिए, यानी कि 22 इंच होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कम है।
ये दो फोल्ड में 2.5 इंच कम है तो इसका हम 5 इंच लेंगे। मैंने 9 इंच का कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस तरफ से 5 इंच पर निशान लगा के इसे हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट हम दो फोल्ड में नाप के देखते हैं ये कितना है। ये 22 इंच आना चाहिए। ये देखिए एकदम ये 22 इंच है। हमने पूरा सलवार का कटिंग कर लिया है। अगर आपको सलवार का सिलाई वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते देख सकते हैं। सलवार का सिलाई वाला वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कॉमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।